हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, जो बेसिकली वीडियो रहेगी वो ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में रहेगी और थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करने वाले हैं ITC लिमिटेड के बारे में, जिसमें थोड़े बहुत अगर आप देखो दो तीन ब्रोकिंग हाउसेज की तरफ से एक बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वहीं अगर हम बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही भयंकर तेजी देखने को मिल रही है, जबकि ओवरऑल मार्केट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव में जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो पर्टिकुलरली तो ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन भी मैं बताने वाला हूं और आपको यहां पे बताने वाला हूं क्या इस तेजी में आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए या फिर अभी कुछ गिरावट का यहां पे आपको वेट करना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो करीबन 18 रुपए से ऊपर ये शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे गया था। यहाँ पे आप देखोगे आज इसमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। एक लिमिट है, अदरवाइज ये 10% और 20% वाला सर्किट भी टच करता है, क्योंकि ये पहले आपको देखने को बहुत बारी मिला हुआ है। यहाँ पे आप फ्लक्चुएशन देख पा रहे होगे। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे अच्छी खासी तेजी थी, एक टाइम पे इसने सर्किट बना भी दिया था अपर सर्किट, लेकिन फिर थोड़ी बहुत ऐसी फ्लक्चुएशन देखने को मिली कि सर्किट हट गया और फिर एंड ऑफ द डे पे अगर आप देखोगे तो ये शेयर फिर से अपर सर्किट में जाते हुए आपको देखने को मिला। अब इसके पीछे की एक चीज और निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम वैसे तो इसमें अच्छा खासा आता ही था, लेकिन आज अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत ही भयंकर वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बहुत बारी बताया हुआ है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलरली शेयर है जिसमें आपको खोने के लिए कुछ नहीं दिखाई देता है। चाहे हम इसके बिजनेस के बारे में बात करें, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में अगर मैंने यहाँ पे आपको बात बताई है तो आप इसके रिटर्न्स सीधे सीधे देख पा रहे होंगे। ये एक ऐसा शेयर है जो आपको अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही भयंकर रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। इवन दो इसका प्राइस अभी भी 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने इतने अच्छे खासे जो रिटर्न्स बना के दिए हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो हमेशा से ही बना रहता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि वो पर्टिकुलरली खबर क्या निकल के आ रही है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो एक तेजी का जो आप माहौल बना है वो इसका एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से जो सेबी है उनको यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि उनकी जो AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, वो 27th of August, मतलब अगर आप देखो यहाँ से एक महीना करीबन मान के चल लेते हैं, तो उसको यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू AGM हेल्ड करने वाले हैं और इस AGM में बहुत सारे बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। अभी उन पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में तो बताया नहीं गया है कि वो क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ट्राइडेंट के लिए और उनके इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बहुत बड़े फैसले करने वाली है। हो सकता है कुछ चेंजेस हो या फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट आने का प्रयास किया जा रहा है जो काफ़ी दिनों से वो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे जाए। पर्टिकुलरली इन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है कि पर्टिकुलरली क्या होने वाला है, लेकिन वही अगर बात करो तो यहाँ पे सिनेरियो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर खबर के बाद अगर आप देखोगे इसमें बहुत ही बड़ी तेजी आपको देखने को मिल गई है। वहीं अगर हम बात करें कि कितने परसेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट को रिकमेंड करते हैं या फिर इसकी की मैट्रिसेस क्या हैं कि मतलब सेक्टर के अकॉर्डिंग और अभी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर शेयर का क्या सिनेरियो चल रहा है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो सेक्टर का PE है वो माइनस में जाते हुए दिखाई दे रहा है कि मतलब जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो इसका जो PE है वो काफ़ी ठीक ठाक सा नज़र आता है, ओवर वैल्यूड ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ओवरऑल सिनेरियो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है,
ये इतना छोटा सा शेयर भी अगर अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डिविडेंड प्रोवाइड कराता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट हो जाती है। सेकंड चीज़ अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो 100% फाइनेंशियल एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको ये शेयर जरूर ही अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि सिनारियो अगर आप देखोगे इस कंपनी का कुछ ऐसा ही बनते हुए नज़र आ रहा है कि कोई भी इस पर्टिकुलर शेयर को मना नहीं कर रहा है, और यहाँ से भी अगर आप इसको होल्ड करते हो फॉर 1 ईयर तो ये पक्का आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें आप 1 टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे खासे जो रिटर्न्स हैं ये आपको बना के दे सकता है। ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में बता दिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ITC लिमिटेड के बारे में। ITC के बारे में मैंने इस वीडियो में इसलिए बताया, कुछ टारगेट्स निकल के आए हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ITC लिमिटेड में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया, इवन दो इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। यहाँ पे सबसे पहला जो टारगेट दिया है वो MK ग्लोबल ने दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस है शेयर की उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट, जो 270 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है ITC लिमिटेड का, तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या सच में ITC जो है वो इतना बड़ा टारगेट यहाँ से टच कर सकता है, या फिर ये जस्ट एक अलग टाइप का सिनेरियो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट बताया जा रहा हो। इवन तो आप यहाँ पे अपना जो कमेंट में व्यू है वो बता सकते हो कि आपको क्या लगता है पर्टिकुलरली कि क्या सच में इतना बड़ा टारगेट ITC अचीव कर सकती है हाल फिलहाल में, या फिर ये जस्ट एक अनरीजनेबल टारगेट नज़र आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें आनंद राठी की तरफ से भी पर्टिकुलरली ITC पे देखोगे तो उन्होंने भी एक अपनी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने ITC का जो करेंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसको कंसीडर करते हुए इस बाइंग की कॉल दी है कि आपको ये शेयर बाय कर लेना चाहिए, और यहाँ पर जो टारगेट बताया है 228 रुपये का टारगेट बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जेन्यून लगता है कि हो सकता है अगर इसमें कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आने वाले टाइम में ये टारगेट अचीवेबल दिखाई देता है। वहीं साथ के साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि जब भी आप बाइंग करो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में तो एक स्टॉप लॉस आप जरूर लेके चलो, इनकेस कुछ वर्स केस सिनेरियो बन के आ जाए तो वहां पे आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इन्होंने यहां भी आपको स्टॉप लॉस की राय दी है, वो दी है 198 मतलब 198 की। तो अगर आप ITC में यहाँ पे बाइंग करने का सोच रहे हो तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर टारगेट को कंसीडर कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अचीवेबल है, और जो 270 का टारगेट है वो मुझे अचीवेबल अभी तक तो नहीं दिखाई देता। और आप यहाँ पे अगर पोजीशन लेते हो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो 198 का अकॉर्डिंगली, सो डैट यहाँ पे आपका लॉस भी मिनिमाइज हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस इंक्रीज हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही शेयर के बारे में सारा सिनेरियो क्लियर कर दिया है। जहाँ तक ट्राइडेंट की बात करें, तेजी का माहौल बना हुआ है, आने वाले टाइम में भी तेजी आ सकती है। ITC के बारे में बात करें, शेयर का मूवमेंट न्यूट्रल है, इतना ज़्यादा कोई आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले सिनेरियो में लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर भी आपको डिसेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन डिसेंट अमाउंट के रिटर्न्स देके जा सकता है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।